हेलो एवरीवन, दिस इज लिजी आर्क और हम लोगों का एक नया सीरीज विद नए मॉड्स के साथ आ गए। और इस बार एक्चुअली हम लोग पूरे अलग तरीके के मॉड्स में आए हैं, जिन मॉड्स को एक्चुअली मैं कभी खेला नहीं हूँ। सो हुआ ये कि मेरा ऑलमोस्ट एलिमेंटल आर्क खत्म हो चुका था, बट उसके बाद फिर मैं नए मॉड्स ढूंढ रहा था। और मैं जब यूट्यूब में आसपास में देख रहा था तो मिस्टर मियोला, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनने नए मॉड्स का कलेक्शन डाला था। सो मैं उनके वीडियोस को बहुत एंजॉय कर रहा था, बट मैं उस मॉड्स को एक्सपीरियंस करना चाहता था। सो मैंने उन मॉड्स को एक्चुअली मैं इंस्टॉल किया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस मॉड्स को अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाए। सो हम लोगों ने गाया 2 के जितने भी मॉड्स थे हम लोग वो डाले, एंड इन लोगों का जितना भी कलेक्शन है एक्चुअली में मिस्टर मियोला के मॉड्स से मिलते जुलते हैं, बट ये एंजॉयमेंट पूरा अलग है। इंस्पिरेशन वहीं से है, बट देखेंगे कि यहाँ पे एक्साइटमेंट कैसा है। तो फिर शुरू करते हैं इस सीरीज को, एंड आई होप कि आप लोगों को सीरीज अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को सीरीज अच्छा लगेगा तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो यहाँ से आप शुरू करते जाने। हमारा डे 1 है, जस्ट अभी अभी उठे हैं, और ये फ्यूडर मैप है। फ्यूडर मैप में मैं एक्चुअली में उस लोकेशन से इतना मीन्स नोटिस नहीं किया कि कहाँ उतरना था। जस्ट मैं यहाँ पे उतर गया जहाँ पर मुझे ये एरिया सही लगा था, क्योंकि ये एरिया मुझे सबसे कूल दिखने में लग रहा था। तो मैं सोचा चलो ठीक है, यहीं पे उतर जाते हैं। पर तभी इस एरिया को एक्चुअली एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसपास में दूसरे जगह जाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि नए फ्यूडर में नया ऑप्शन होता है जिसमें आर दबा के रख सकते हैं, तो हम पूरे मैप में कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। सो हम लोग वाडीलैंड में जाते हैं, एंड आई थिंक वाडीलैंड में हम लोग नॉर्थ के साइड में ही है। नॉर्थ के साइड में जाके क्या करेंगे, हम नॉर्थ में जाएंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाने वाले, ताकि हम लोगों का जितना भी लोकेशन होगा अराउंड, मीन्स मैं श्योर नहीं हूँ, 50 to 60 से 30 to 40 के बीच में होगा। सो मे भी बोल सकते हैं 55 और 35 के बीच में हम लोग जाने वाले कहीं पर। एंड होप कि वो एरिया इतना आसपास में नॉर्मल हो, ना पूरा डेंजर भरा हो, ना ये सब, कि हम लोग एटलीस्ट शुरुआत कर सकें बेस का एंड सभी आइटम्स रिलेटेड। सो शुरू करते हैं। मैप में मैं एक्चुअली में हर जगह लोकेशन में स्पॉन होकर देखा था कि कैसे कैसे जगह है, बट एक प्रॉपर जगह तो ढूंढना ही पड़ेगा हम लोगों को। अगर ये जगह भी सही नहीं है तो फिर हम लोग ये वाडीलैंड को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। एंड ओके, सो मुझे यहाँ पे गोरिलास दिखाई दे रहे हैं। एंड ओके, सो हम लोग टॉप में आ चुके हैं जैसा कि मैं एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे मुझे बहुत सारे टेरानोस दिखाई दे रहे हैं और ये दिखाई दे रहे हैं, बट पता नहीं क्यों ये एरिया मुझे एक्चुअली में अपना कूल देखने को नहीं लग रहा है। क्या किया जाए, तो इस एरिया को छोड़ते हैं। ये वैसे भी यहाँ पे ये है, इस एरिया को भी छोड़ के एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूसरा जगह जाते हैं, आर प्रेस करके रखते हैं, सॉरी दबा के रखना पड़ेगा, मैं भूल गया था। एंड उसके बाद वाडीलैंड में जाते हैं, एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि वाडीलैंड छोड़ के वनलैंड में अगर जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि वनलैंड में अगर मैं वेस्ट में जाता हूँ, या फिर मैं साउथ में जाके अगर मैं नॉर्थ में जाता हूँ, सो आई होप कि साउथ में जाके अगर मैं नॉर्थ में कर रहा हूँ तो अराउंड 40 70 के आसपास मेरा लोकेशन होना चाहिए, जितना मेरा एस्टिमेशन चल रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ, इससे आगे पीछे भी हम लोग हो सकते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। एंड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये, हम लोगों का पोर्टल पूरा ऊपर मिलने वाला है। जैसे ही ऊपर मिलेगा उसके बाद हम इस लोकेशन से निकल के दूसरे लोकेशन में जा सकेंगे। तो हम लोगों का एस्टिमेशन है एक प्रॉपर बेस ढूंढना, बेस लोकेशन ढूंढना, फिर एक जीरो से शुरू करना है एक अच्छा बेस। और इस बार का चैलेंज हम लोगों का इस सीरीज का ये होगा कि मैं अच्छी जगह आ चुका हूँ, बट ये अच्छे जगह इन द सेंस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अच्छा जगह नहीं, क्योंकि ये लोकेशन अभी तक लोड नहीं हुआ है। एंड ये मुझे लगा था कि हम लोग बहुत खराब जगह आ चुके हैं। तो वापस से निकलते हैं, इस बार वेस्ट की जगह साउथ में जाके नॉर्थ में जाएंगे। ओके, सो साउथ में जाके नॉर्थ में जाना इन द सेंस मेरा जो पहले मैं काउंट किया था अराउंड 45 to 75 के आसपास हम लोग जाने वाले हैं इस बार। एंड आई होप कि ये वाला जगह ज़्यादा सही रहेगा। ये टेलीपोर्ट करते करते लगता है हम लोगों का आधा ज़्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर बेस जगह भी ढूंढना सही होता है। वो सोचा था, बट वो जगह पता नहीं क्यों मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे एंडियोसार्चस थे और उसके बाद डेस्मोडस आसपास में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो ये भी है, वो होता है, मिलता रहेगा। तो चलो, सो क्या ये लोकेशन वाइबल है हमारा एक बेस लोकेशन बनाने के लिए? अगर थोड़ा सा अंदर हो, लाइक कंपलसरी नहीं है कि बीच के पास ही जगह मिले। एक मिनट, मैं वापस से इसी जगह पे क्यों आया? एक मिनट, साउथ का नॉर्थ। ओके, हम लगता है थोड़े से गलत जगह आ गए थे। साउथ के नॉर्थ में नहीं है, वेस्ट में थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ईस्ट एंड नॉर्थ में नहीं जाना है। ईस्ट हमारा इधर हो जाएगा, किधर जाया जाए इसको लेके, अगर मैं साउथ वेस्ट में जाऊं तो किधर जाएगा?
तो एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे बहुत सारे लोकेशंस चेंज करते हैं और एक प्रॉपर लोकेशन जैसे मिलेगा हम लोग फिर वहां से शुरू करते हैं वीडियो। ओके सो फाइनली हम लोग एक सही जगह पे आ चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये पूरा साउथ एरिया है एंड साउथ का भी ये साउथ एक्चुअल एरिया। पहले मेरा मन कर रहा था उस छोटे से आइलैंड पे जाने का, बट फिर मुझे याद आया कि हम लोग एक्चुअली में वाइल्डनेस के साथ थोड़ा एंगेज रहेंगे, अगर उन लोगों को मारेंगे ढूंढेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ना कि हम अगर एक जगह छुप के रहे वहां पर रहे और सब कुछ कैंप करके या फिर वहां पर बेस बना के रहेंगे। तो मे बी लेट गेम के लिए वो जगह बहुत अच्छा है बट अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि अभी ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा है। अब फायदा कैसे है वो मैं बताता हूँ। तो ये एरिया जो है ये भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा आइलैंड के टाइप का है, चारों ओर से एक नदी से भरा हुआ है। एंड यहाँ पे एक्चुअली में बेस बनाना हमारे लिए थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे एक भी अभी तक वाइल्ड डाइनो नहीं दिखे हैं। चारों ओर जो जो मेरे जितने भी बेसिक नेसेसिटीज है मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ लगा है। स्टोन है, वुड्स है, थाच है, फ्लिंट है एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक एक काम करते हैं, शुरू करते हैं फिर यहाँ से। एंड ये रहा हम लोगों का पहला एपिसोड, और मैं एपिसोड शुरू करने से पहले अभी भी मिस्टर मियलो को थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि उनकी वजह से एक्चुअली में मुझे ये मॉड खेलने का इंटरेस्ट आया अचानक से। बट आई होप करता हूँ कि जितना मुझे उनका वीडियोज देखने में मुझे मजा आया उतना ही मुझे खेलने में भी मजा आया। चलो फिर शुरू करते हैं ये पहला एपिसोड। सो पहले एपिसोड को अगर हम यहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स को मुझे कहीं पे आसपास में दिखाई नहीं दे रहा, बस मुझे एक दूर में एक डोडो दिखाई दे रहा है, बट वो एक्चुअली में नॉर्मल डोडो नहीं है। क्योंकि मैं भी उसको देख के बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में नॉर्मल डोडो इसलिए नहीं क्योंकि इतना दूर से कोई भी नॉर्मल डोडो दिखता नहीं है। उसका साइज ऑलरेडी इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी थोड़ा अलग होगा, बट वो किस टाइप से अलग होगा वो तो मुझे वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं एंड जाके देखते हैं कि वो क्या है। थोड़ा सबसे पहले जितने भी लेवल अप्स है सभी को हम मूवमेंट स्पीड में बढ़ाने का सोच रहे हैं। एंड जैसे कि ये हुआ, फिर उससे हम लोगों को थोड़ा सा फ्लिंट का जरूरत है, फ्लिंट के लिए हम लोगों को स्टोन्स का जरूरत है। एंड यस तो ये हो चुका है एंड डन। थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये एंड थोड़ा सा ये। चलो बेसिक वाले सब रिसोर्सेज बन चुके हैं, उनके अलावा अगर देखा जाए तो ये टूल्स दोनों बन चुके हैं एंड मेरे पास वैसे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जितने भी बेरीज है आई थिंक इतने काम हो चुके हैं उनके खाने के लिए। चलो सो बेरीज का हो चुका है, एक और लेवल अप आ चुका है, मूवमेंट स्पीड बढ़ चुका है। अब देखते हैं कि एक्चुअली में गाया हमें क्या क्या प्रेजेंट करता है। सो जैसे लेवल टू हम होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एक्चुअली में स्टैचूज दिखाई दे रहे हैं जो कि एक्चुअली में स्टैचूज नहीं है, टर्मिनल्स है। हर एक टर्मिनल एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेस और एनग्राम्स को अनलॉक करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये गॉडेस ऑफ लव एंड डिजायर है, बट अपोलो को देखा जाए तो गॉड ऑफ फिलोसॉफी एंड हीलिंग है, बट अगर एरेस को देखा जाए तो गॉड ऑफ वायलेंस एंड ब्लड सेड है। तो सबका एक मीनिंग है और सभी के सभी एक्चुअल में गाया स्टैच्यू में बनेंगे, तो ये भी एक मीनिंग है। एक काम करते हैं पहले सबसे पहले ओके सो मुझे वो साइनिंग डोडो थोड़ा दिख रहा है। मे भी जहाँ तक मेरा आइडिया है वो डिवाइन होना चाहिए, बट अगर डिवाइन हुआ तो ऑब्वियसली वो डेंजरस नहीं होगा, बट नो आइडिया। दूर से हम देख के कंफर्म नहीं कर सकते कि वो किस टाइप का डायनो है। तो यहाँ पे बेस बनाने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे ज़्यादा डायनोज नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने बेस रिसोर्सेस सभी को छोड़ छाड़ के आराम से दूसरे जगह जा सकते हैं, सबको मार वार सकते हैं, जितना भी कलेक्शन कर सकते हैं। एंड जैसे ही वो सब कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वापस यहाँ पे आके अपना बेस पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो अच्छा खासा लोकेशन है, बट मुझे यहाँ पे कोई भी एक प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा है इस आइलैंड पे, छुटपुट आइलैंड पे जहाँ पे मैं बेस के लिए शुरुआत कर सकूँ। मुझे तो वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कहाँ पे मैं शुरू करूँगा। तो चलो थोड़ा सा और आई थिंक वुड्स का जरूरत है एंड उसके बाद जितने भी थोड़े से फाइबर से जरूरत पड़ेगा तो फाइबर्स के लिए भी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वुड एंड वुड 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 ऑलमोस्ट 250 के आसपास हो चुका है। ओह ये पेड़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, मुझे आ रहा हूँ कुछ ज़्यादा। और ये मेरे जितने भी सेटिंग्स हैं ऑलमोस्ट एवरेज पे, नॉर्मल वेनिला पे, बट सभी को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड किया। जैसे कि डैमेज को 1 की जगह 1.5 किया हूँ, बट हार्वेस्टिंग ये सब सब कुछ नॉर्मल है तो उन लोगों का इतना ज़रूरत नहीं पड़ा है। ठीक है तो ये हो चुका है। आई थिंक एक मिनट, मुझे थोड़े से फाइबर्स का जरूरत था, मुझे लग ही रहा था कि कोई अलग टाइप का चीज़ का जरूरत। अरे यार सैंड का नहीं, एक मिनट सैंड मिल गया तो सैंड से हम कुछ और चीज़ भी बना सकते हैं। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट तभी आई थिंक मुझे थोड़ा सा पहले कुछ भी फूड का जरूरत होगा क्योंकि मेरा फूड और वाटर दोनों गिर रहा है और मेरा टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा ही हाई स्पीड से बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहले ही एपिसोड में मेरा डेथ की जगह सबसे पहले शुरुआत हो नॉकआउट से, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। वाटर कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बस हमें
फूड का ध्यान देना है तो फूड के लिए एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना एक बेस बना लेता हूँ, उसके बाद फूडिंग के लिए बना लेता हूँ, एक रीयूजेबल ये बना लेता हूँ स्पीयर एंड देन एक स्टोरेज बॉक्स, और उसके अलावा मुझे वैसे यहाँ पे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तीन कंप्लीट, आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जितना भी नेसेसिटीज था सब बन चुका है, बट मैं बेस बनाऊंगा। सो हम लोगों का ये एक्चुअली में एक टेम्प्रेरी बेस है एंड मैं पूरा श्योर हूँ कि मैं बाद में इसको किसी और जगह ट्रांसफर करने वाला हूँ, कोई प्रॉपर जगह, क्योंकि वैसे भी अगर देख, एक मिनट, मेरे पास फूड नहीं है, ओ सेट, मेरे पास मीट नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जितने भी बेरीज हैं हम सभी बेरीज को खा लेते हैं। एक मिनट, ओ वो सीड्स थे, मैं एक सेकंड के लिए डर गया कि मैं कहीं सीड्स की जगह नार्को बेरीज तो नहीं खा लिया था, बट नहीं, चलो हाँ। सो इस साइड जितने भी स्टोरेज बॉक्सेस है उनको डाल देते हैं, ये रहे एंड आई थिंक ये सब यहीं पे रहना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ये दोनों का रिसोर्सेज यहीं पे है, काफ़ी है। आई थिंक देखा जाए तो मुझे शुरुआत में अभी तो वैसे ज़्यादा चीज़ों का जरूरत नहीं है, क्योंकि मूवमेंट स्पीड अच्छा खासा बढ़ चुका है, हाँ इतना मूवमेंट स्पीड सही है, ओ सेट। सो ये डोडो खुद चल के मेरे पास आ गया मरने के लिए, अगर ये डिवाइन हुआ तो मैं पक्का इसको मानने वाला हूँ, बट अगर ये डिवाइन नहीं हुआ तो मैं इसके आसपास भी नहीं भटकने वाला हूँ, ठीक है। ओ सेट, ये हेवनली है, मैं इतना जानता हूँ कि हेवनली को मारना एक्चुअली में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हेवनली को मारने के बाद एक दूसरा काइंड ऑफ डाइनो स्पॉन होता है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि इसको थोड़ा सा दूर में ले जाने का सोच रहा हूँ, ताकि जैसे ही अगर मान लो कि ये इसको मरने के बाद कोई भी डाइनो स्पॉन होता है तो उसकी वजह से वो एटलीस्ट मेरे बेस के आसपास नहीं रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि ओके क्या इसने किसी को स्पॉन किया है आसपास में, कोई भी नहीं, सो हम लोग पूरा सेफ है। मैं एक सेकंड के लिए डर गया था एक्चुअली में देखा जाए तो, एक मिनट, हेवनली था तो शायद मैं हेवनली को टेम कर सकता था, क्योंकि डोडो के सैडल्स 15 लेवल पे, हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर लेवल है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा, एक मिनट तो सर मारा तो मुझे कुछ रिसोर्सेस मिला, ओ सो डिवाइन सोल, लाइटनिंग टैलन टैलन एंड डेथ वॉर्म, और उसके बाद फायर टैलन एंड पॉइजन टैलन, सीरियसली इनमें से एक भी आइटम काम का नहीं है, जो कि मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अगर किसी काम के आ जाता, मैं हो सकता है ये सब लेट गेम में काम आएंगे, बट अभी ये किसी काम के नहीं, हम लोगों को हाइट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जितने भी डोडोस मिल रहे हैं सबको किल करो, डन, यस आई थिंक। और अभी अगर मुझे अर्ली स्टेज पे कुछ डोडो डिल्लो या फिर पेगोस अगर मिल जाते तो सही रहता, क्या होता कि उन लोगों से एटलीस्ट भिड़ना इतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, या फिर अगर मैं एक गोला बना पाता हूँ, जैसे कि आई थिंक मैं अभी एक गोला बना सकता हूँ, गोला के लिए हम ट्राई कर सकते हैं पहले, सो गोला पे नज़र रखते हैं, आसपास में जाके पहले देखते हैं कि गोला कहाँ पे हमें मिल सकता है, बोला मिल जाएगा, सो हम लोग मे भी पारासोर या फिर टेरानोस इन लोगों को भी मारने में सक्सेसफुल एटलीस्ट हो पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को मारना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उन लोगों का मूवमेंट स्पीड और फ्लाइंग स्पीड इतना ज़्यादा हो जाता है कि कैच करना नामुमकिन हो जाता है, तो उनको चेस करके कोई फायदा नहीं है। देखते हैं, सो फूड के लिए हम लोगों का इंतजाम हो चुका है 30 ये, बट मुझे वुड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ओहो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वुड आ चुका है एक्चुअली देखा जाए तो, चलो ठीक है, इनमें से कौन सा था ये, ठीक है। सो एक एक बॉक्स में सेम आइटम रखते हैं और एक बॉक्स में यूनिक आइटम्स रखते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि हम लोगों को किस चीज़ का ज़रूरत है, वैसे तो मुझे बस इन लोगों को रिपेयर करना है, तो इन्हीं चीज़ का बस ज़रूरत है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो और किसी चीज़ का अभी तो वैसा ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ये एंड यस सर रिपेयर हो चुका है, ये है, क्या मैं बोला बना सकता हूँ, बोला के लिए वैसे तो मुझे लेवल अप भी आइडिया नहीं है कि मेरा बोला अनलॉक हुआ भी है या नहीं, 9 लेवल और हम ऑलरेडी 8 लेवल पे, सो मे बी हम लोगों को और एक डायनो मारना पड़ेगा, या फिर क्यों ना हम कार्बोनिम्स को मारे, क्योंकि कार्बोनिम्स को मारना पॉसिबल है अगर सही से दिमाग लगाया जाए तो, जैसे कि ये, सो ओहो ये पेविलियन है एंड बूम, ओ 93 93 93, नो आइडिया कि इसका हेल्थ कितना है, क्योंकि इतना मैं जानता हूँ कि एक्चुअली में देखा जाए तो कार्बोनिम्स का बहुत ज़्यादा हेल्थ होता है, तो थोड़ा सा मारना टाइम लगेगा, बट इतना है कि मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो इतना दिक्कत नहीं होने वाला है, एंड 78 75 एवरेज टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब है, इधर भी एक कार्बोनिम था और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कार्बन, एक मिनट मुझे यहाँ पे एक लाइट डाइनो क्यों दिखाई दे रहा है,
एंड यस एक मत, हम लोगों का लेवल अप नहीं हुआ, पर ये पेविलोनियस कार्बोनेम्स एक्चुअली में देखा जाए तो एक आइटम तक नहीं दिया, मुझे बहुत दुख लगा। बट यहाँ पे मुझे एक पेट डाइनो दिखाई दिया था, लाइट पेट था, लाइट पेट, ओ ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। आई होप कि मुझे सही से मिल जाए, किधर गया? एक मिनट, हमें बोला अगले और एक लेवल अप करना है, बट मैं वेट कर रहा हूँ वो किस टाइप का डायनो है, क्या वो नॉर्मल वेरिएंट है या फिर गाया का स्पेशल वेरिएंट है, क्योंकि अगर मुझे उसके बारे में आइडिया मिल जाता तो ज्यादा सही रहता, बट तब भी अगर वो एक बार लैंड होगा तभी ना जाकर मुझे आइडिया मिलेगा। तो फ्लाई पर फ्लाई किया जा रहा है, क्या मैं अगर उसको स्पीयर करता हूँ तो क्या वो भागेगा? सच में भाग गया? अरे यार मुझे लगा था कि एटलीस्ट वो मुझे अटैक करेगा तो सही रहेगा, बट छोड़ो शायद वो किस्मत में नहीं था। होप कि ये भी, ओ ये नॉर्मल कार्बोनिम्स है एंड ये 20 लेवल का है, सो अच्छा खासा अमाउंट में हाइट भी मिल जाएगा, काइटिन्स भी, कैरेटिन्स मिल जाएंगे एंड देन एक्सपीरियंस भी मिल जाएंगे। सो आई होप कि इसको मानने तो मैं लेवल 9 हो जाऊँ, आई थिंक मैं लेवल 9 अभी हो चुका हूँ एंड यस। और बस इसको मारो, लेवल 9 हो और बात खत्म करते हैं, फिर एक गोला बना के लाते हैं। चलो तो हम लोग फाइनली लेवल 9 भी अब हो चुके हैं, अब बोला हमारे हाथ में, ठीक है। तो बोला होने था एटलीस्ट बहुत सारे डायनोस पे अब हम लोगों का एक्सेस मिल जाएगा, मे बी एक अचानक से रैप्टर आ जाता है तो क्या करेंगे, एटलीस्ट बोला ही हमारा हेल्प करेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि और अगर मैं 2 पॉइंट बस मोमेंट स्पीड में दे दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, बट तब भी बोला के लिए और किस चीज़ का हम लोग रियूजेबल यूज़ करने वाले, फाइबर स्टोन एंड थच, ठीक है। सो स्टोन डन, थच डन एंड लास्ट में एक फाइबर, तो फाइबर के लिए ये रहे बुस, अरे इतना फाइबर काफी है, और ये रहा बोला, बोला बन चुका है यस। तो बोला को हम थोड़े से दूर रखते हैं ताकि वो हर बार हम बिना मतलब उसको यूज ना करते रहे। ओ सेट, ये तो नॉर्मल कॉपी है। ओ, मुझे हाइट का जरूरत था, क्या आसपास में और कहीं डाइनो थे? मुझे वैसे फ्योडर में आप मुझे इतना खाली खाली क्यों दिखाई दे रहा है? नॉर्मली फ्योडर्स कभी भी, मैं पहले भी फ्योडर को बहुत बार, वो हो, मुझे मेटल नोट्स मिल गए, मैं सोचा नहीं था कि मेरे बेस के इतना पास मुझे मेटल नोट्स मिल जाएंगे। चलो एटलीस्ट मेरा अर्ली स्टेज अब बहुत ही ज्यादा स्मूथ जाने वाला है, अगर मुझे कोई ओवर डेंजरस क्रिएचर नहीं मिल जाए, जैसे कि मुझे वहां पे एक स्केलेटन रैप्टर दिखाई दे रहा है जिसको वहां होना तो नहीं चाहिए था, बट है। चलो फूड लेवल तो तब तक बढ़ जाएगा, तब तक अगर एक दो और डाइनो को मार के अगर कुछ और हाइड भी कलेक्ट कर लेते तो सही रहता। वैसे सामने कितने रैप्टर थे? 3 रैप्टर थे, बट यहाँ पे यूटी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वो आइकन्स, ओके वहाँ पे आलोस भी है, सेट। हम लोग लगता है बहुत ज्यादा ही खराब एंड यस यस यस, मुझे एक डोडो मिल चुका है और ऊपर से ये डिवाइन है प्लीज। अरे यार मैं सोचा था कि कुछ यूजफुल आइटम देगा, मैं खुशी खुशी बोल दिया, देखने से लेगिंस दिया, तो देखा जाए तो लेगिंस इतने भी खराब नहीं है, 141 आर्मर का लेगिंस, वाह बहुत ज्यादा ही हाई वैल्यू का आर्मर मिला है एंड हमारे ये बहुत काम आने वाला है। अर्ली स्टेज में 141 आर्मर मिलना मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा लकी का बात है। ओके सो एक रैप्टर मेरे साइड आ रहा है एंड वो बहुत ज्यादा खुशी दौड़ के तरीका दौड़ के आ रहा है एंड आई होप कि अरे मर क्यों नहीं रहा? मेरे पास एक्चुअल में ट्रैंक नहीं है वरना मैं इसको टेम कर लेता, बट चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों के पास बहुत मौके मिलेंगे आगे, मुझे बहुत सारे रैप्टर्स दिखाई तो दे रहे हैं वैसे। आई होप कि जब मुझे जरूरत पड़े तब रैप्टर्स अच्छे तरीके से मिल जाए, वैसे तो ये लो लेवल का था तो मुझे इतना खराब भी नहीं लगा उसको मारने में एंड ये हमारा लास्ट पॉइंट था
इसके लिए किसके लिए मैं बोल रहा था, मूवमेंट स्पीड के लिए हम 115 के आगे अभी के लिए नहीं बढ़ाएंगे, हम पहले कुछ ये करने वाले हैं। जैसे कि एक मिनट, मुझे यहाँ पे साइनहन क्यों सुनाई दे रहे हैं अचानक से? भागो यहाँ से। ओ सी, एक छुटकू सा डायलॉग मेरा पीछे कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ से जाके उधर की साइड मुझे एक और डोडो दिखा, उसको भी मारेंगे। बट जाने से पहले क्या करेंगे कि कुछ फूड ले आते हैं एंड थोड़ा सा हील अप हो जाते हैं। रात का टाइम होने वाला है, और जिन लोगों ने फ्योडर मैप अभी तक नहीं खेला है उन लोगों को ये बात बता देता हूँ कि फ्योडर एक्चुअली में बाकी मैप्स के हिसाब से सबसे ठंडे इलाकों में से एक आता है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है बाकी मैप्स के हिसाब से। तो हम लोग इसी सिचुएशन में फूड लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। सही है, आई थिंक मुझे यहाँ पर वैसे तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्पेशल आइटम्स में से, और ना ही मुझे कुछ स्पेशल है। मे भी मेरा डाइनो काउंट कम हो चुका होगा शायद, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वैसे तो मुझे यहाँ पे इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हम लोगों के पास कुछ स्पेशल आइटम है जिसको हम अनलॉक कर चुके हैं? जैसे कि मैं अगर गाया लिखता हूँ तो गाया पॉइजन स्पीयर यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी, एंड उसके बाद यहाँ पे गाया स्टैच्यू भी है। टॉर्च 3 टाइम्स बिगर देन रेगुलर टॉर्च एंड लूजेस नो ड्यूरेबिलिटी, इसका एक्चुअली में अभी जरूरत नहीं है। गाया टेंट है, फिर उसके बाद पिकअप। एक मिनट, क्या टेंट मुझे बचा सकता है बाकी चीज़ों के हिसाब से? वैसे तो सिल्क का जरूरत है, सिल्क मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बट इसके लिए हरमेस टर्मिनल का जरूरत है। इसका जरूरत नहीं, इसका जरूरत है एक्चुअली में इसके लिए क्रिस्टल्स चाहिए तो नहीं है। ये सिक्केल है तो ये फाइबर निकाल सकता है, मे बी चांसेस है कि हमें इसको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक गाया स्टैचू बना के देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं इसके, अरे ओहो, मुझे लग रहा है कि मे बी इसका जरूरत पड़ सकता है। किधर गया? क्योंकि टेम्परेचर से यहाँ पे बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। मैं जब पहले पहले फ्यूडर खेला था, तो उस समय भी जब ये मॉड था तब का बात है, उस समय क्या हुआ था कि इस मैप में एक्चुअली में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे टॉर्चेस का पूरा कलेक्शन रखे थे, और ये टॉर्च मुझे एक्चुअली में हर टाइम बचा ही लेते थे कुछ ना कुछ करके। सो अभी देखा जाए तो अच्छा खासा है सिचुएशन में, मेरा हेल्थ भर रहा है, थोड़ा हेल्थ बनने देते हैं। एंड अगर उसके अलावा मैं अगर वो बना पाता हूँ, मैं जानता नहीं कि वो अनलॉक है, बहुत अच्छे हैं हम लोगों का बो अनलॉक है। एरो अगर मिल जाएगा तो सही है, मे बी लाइक 50 के आसपास। एंड यस, तो बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि हमारे पास फ्लिंट नहीं है। मे बी फ्लिंट को हम आसपास में सबसे आसपास में बनेंगे। इतना फ्लिंट काफी है, मुझे कुछ भी करके लेवल अप करना है, थोड़े से अपने टूल्स को मेटल में करना है। क्योंकि क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो मैं मेटल नोड देखा हूँ, तो उस मेटल नोड को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ इस वुडन इससे। ठीक है, वुडन पिक्सर क्या होगा कि इससे अगर मैं अटैक करूँगा तो बिना मतलब के मेरे रिसोर्सेस तो जाएंगे, बट वो पूरा वेस्ट भी हो जाएंगे, तो वेस्टेज ही है। होप कोशिश रहेगा कि अगर लाइक इतना भी जरूरत नहीं है, 25 काफ़ी है देखा जाए तो। एरो यस, हम लोगों का ये हो चुका है। इसके बाद अब थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे, और फिर कुछ फोर्टिट्यूड बढ़ाएंगे, एंड देन मूवमेंट स्पीड बढ़ाएंगे। हम लोगों का सब सिलेक्टेड है कि क्या क्या करना है, बट थोड़ा आगे बढ़ते जाना है। रात का टाइम ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होते जा रहा है, 1 डिग्री पे आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अगर मैं सो मुझे वहाँ पे एक डाइनो दिखाई दिया, आई होप कि वो स्पाइनो ना हो, एंड मेरा किस्मत खराब, वो स्पाइनो ही है। पर वो स्पाइनो इतना स्लो क्यों चल रहा है, और वो बाइपेडल क्यों है? नो आइडिया कि चल क्या रहा है। और थोड़ा सा और कहीं चलते हैं, मे बी इस साइड, क्योंकि मुझे एक डोडो वैसे तो दिखाई दिया था, बट देखते हैं। थोड़ा सा और फूड, हाँ काफी है, चलो। आई होप कि जैसे कि वो डिवाइन वाले डोडो ने मुझे कुछ एक लेगिंग्स दिया है, उसके अलावा अगर एक दो ने मुझे स्पीयर से, तो मैं गया। ये किस टाइप का डाइनो है? कोका ट्रिक, बट मुझे वो डाइनो दिखाई नहीं दिया, और ये मैक्स लेवल का डाइनो है। एक मिनट, मैं बेड बन
मैं बेड बनाना भूल गया, तो